हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स ए एंड द आर्टिकल कहाँ यूज करें, एंड द आर्टिकल कुठे वापरावे, या वीडियो मध्ये आपण बघणार आहोत। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स मराठी मध्ये त्याला उपपदे म्हटले जातं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। आर्टिकल जो है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन म्हणजे सामान्य एकवचनी सामान्य नामाच्या अगोदर आर्टिकल वापरले जातात। आर्टिकलचे दोन प्रकार आहे। आर्टिकल के दो टाइप हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल ए एन और इनडेफिनेट आर्टिकल है द आर्टिकल के कुछ रूल्स है। पहला आर्टिकल है अ। अ आर्टिकल कहाँ यूज करेंगे, अ आर्टिकल कुठे वापरावा, त्याचे नियम आहे। अ उपपद वापरण्यासाठी सामान्य नाम एकवचनी असावे। सामान्य नाम हे एकवचनी असावे। आर्टिकल अ यूज करते वक्त हमको ध्यान में रखना पड़ेगा सिंग्युलर कॉमन नाउन इज यूज्ड, मीन्स बिफोर द सिंग्युलर कॉमन नाउन इट मस्ट बी सिंग्युलर। सिंग्युलर होना चाहिए और कॉमन नाउन होना चाहिए, उसके पहले हम यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है सामान्य नाम काउंटेबल असावे। मीन्स व्हाट काउंटेबल असावे म्हणजे काय, 1 2 3 4 5 आपण त्याला मोजू शकतो। कॉमन नाउन मस्ट बी काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स 1 2 3 4 वी कॅन काउंट, मीन्स बर्ड, बुक, चॉक, पेन, बॉय, गर्ल, इट इज हियर वी कॅन काउंट दॅट वन। अ बर्ड, अ बुक, अ चॉक, अ पेन, अ बॉय, अ हेअर यू कॅन कन्सिडर वन। एक अ म्हणून एक वापर करू शकता, एक पक्षी, एक बुक, या पद्धतीने। मतलब काउंटेबल, काउंट कर सकते उसको, 1 2 3 4 जैसे काउंट कर सकते हैं, उसके पहले हम ये कर सकते हैं। त्याची सुरुवात व्यंजनाने झाली पाहिजे। आपको पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है। 26 अल्फाबेट में से 5 जो है वो ओवेल है, ए ई आय ओ यू। 5 ओवेल है इंग्रजी में, ए ई आय ओ यू मराठी में जास्त है। अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ अम हा हे मराठी मधले, आणि उरलेले जे आहे ते कॉन्सोनंट है। बचे हुए जो है 21 अल्फाबेट जो है ये कॉन्सोनंट है। कौन से बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दीज आर द कॉन्सोनंट। इसको हम कॉन्सोनंट कहेंगे। इसके पहले आप अ लगा सकते हो, याच्या अगोदर आपण अ लावू शकतो। स्वराने सुरू झालेल्या पण व्यंजनाचा उच्चार असलेल्या एन ऐवजी वापरावे। स्वराने सुरुवात झालेल्या म्हणजे स्वर तुम्हाला सांगितले कोणते कोणते, अ आई या हमने स्वर देखे कि वॉवेल जिसको हम कहते हैं। व्यंजनाचा उच्चार आहे पण त्याच्या एन आई जे वापरा। देखिए वर्ड बिगिन विथ द वॉवेल, वॉवेल से शुरुआत है, बट प्रोनाउंसिएशन लाइक कॉन्सोनंट, उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनंट के जैसा है। देखिए ओ ए आई ओ यू हमने सीखा कि ए आई ओ यू क्या है, ये वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पे ओ आया है इसीलिए हम यहाँ पर एन यूज नहीं किया। क्यों, वन बोलते, वन व व प्रोनाउंसिएशन देखिए, वन व यूनिफॉर्म य, देखिए यहाँ पे य आ गया, ठीक है, ये व हो गया। मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है उसका, यूनिट यूनिट, ओके। प्रोनाउंसिएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड है य, क्योंकि वावेल जो है वो वावेल अ आ ई ई उ ए ई ओ औ अम आ, ये प्रोनाउंसिएशन है। इसमें यह आने की वजह से हमने यहाँ पे अ यूज किया है, एन यूज नहीं किया है। इसकी वजह है, ये पहले कंसेप्ट समझ लो, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत सारा डिपेंड है, यही पर आगे गलती हो सकती है। अ हे उपपद वापरल्यानंतर पुन्हा त्या शब्दानंतर द वापरावे। अ आर्टिकल एक ही बार आया है, पहली बार आया तो अ बेबी लिखा हमने, दिस इज अ बेबी, एंड दूसरे सेंटेंस में अ बेबी की जगह हमने द बेबी लिया। क्यों, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज कॉमन नाउन अ, बट वेन एवर इट कम्स फॉर द सेकंड टाइम द इज यूज। पहिल्या वेळेस आला म्हणून अ बेबी वापरला, पण त्याच बेबीबद्दल आपण पुढे सांगितलेलं आहे म्हणून त्याला द वापरण्यात आलेलं आहे। आर्टिकल एन, एन आर्टिकल के बारे में रूल देखेंगे हम, कहाँ पे यूज कर सकते एन आर्टिकल, कुठे वापरावा। बघा एन उपपद वापरण्यासाठी सामान्य एकवचनी असावे। सामान्य नाम एकवचनी मीन्स इट मस्ट बी सिंग्युलर कॉमन नाउन।
आर्टिकल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट इज यूज फॉर द सिंग्युलर कॉमन नाउन, कुठे वापरायचं नाही ते आपण शेवटी बघणार आहे. शेवटपर्यंत व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला तर आपल्या चुका कुठे होतात, एक ट्रिक दिलेली आहे त्याच्यानुसार तुम्ही करू शकतात. एक ट्रिक दी गई आपको एंड में कि कहाँ पर यूज नहीं करना है. सामान्य नाम काउंटेबल असावे. काउंटेबल मतलब बताया आपको, 1 2 3 4 हम जिसको काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल म्हणजे ज्याला मोजू शकतो, 1 2 3 4. इट मस्ट बी सिंग्युलर काउंटेबल नाउन. जैसे कि एन इंक पॉट, देखो आय आय आय, प्रोनाउंसिएशन ई हो गया, इंक पॉट. ऑरेंज आ प्रोनाउंसिएशन है, एंट अ आया यहाँ पर, इसीलिए हमने उसको एन लगाया. ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मायने रखता है, प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत मायने रखता है. प्रोनाउंसिएशन अगर आपको समझ में आए तो आप उसको अ लगाना है या एन लगाना है समझ में आएगा. त्याची सुरुवात स्वराने झालेली असावी. ए आय ओ यू के आगे हमने एन लगाया. देखिए यहाँ पे आय आया, यहाँ पे ओ आया है, देखिए यहाँ पे एन. वर्ड बिगिन विद द वॉवल, एन लगाते वक्त में हमको वॉवल. लेकिन पिछले बार हमने जो देखा कि कहाँ पर ए में क्या होता है, वो शब्दाचा उच्चार जर स्वराने होत असेल तरच एन वापरायचा. स्वर स्वर बताया मैंने, अ आ ई उ ए आई, वहाँ पे उसके आगे क्या है, एन यूज करने का. उच्चार जर व्यंजनाने होत असेल तर वापरायचा. पिछले अ में हमने ये देखा था, वर्ड बिगिन विद द वॉवेल बट प्रोनाउंसिएशन इज लाइक अ कॉन्सोनंट, इट टेक्स एन अ. देखिए एन अवर, प्रोनाउंसिएशन हवर नहीं किया मैंने, हवर है कि नहीं, अ हो गया प्रोनाउंसिएशन. एच से स्टार्टिंग हुई, लेकिन एच से स्टार्टिंग होने के बाद भी इसका प्रोनाउंसिएशन अ हुआ, एन आवर. एन ऑनेस्ट, एन एक्सेलेंट, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, एक्सेलेंट. देखिए ए, ओके, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको. एच है, अब बोलोगे कॉन्सोनेंट से शुरुआत है लेकिन एन क्यों लगाया, मैंने प्रोनाउंसिएशन करके बताया, अवर, एन अवर, अवर. ओके नेक्स्ट है स्वरा सारखा उच्चार, पण व्यंजनाने सुरुवात असेल तर एन वापराय. स्वरा सारखा उच्चार मीन्स प्रोनाउंसिएशन ऊपर जैसा दिया है कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है कि वॉवेल के जैसा प्रोनाउंसिएशन, लेकिन शुरुआत क्या है, कॉन्सोनेंट से हुई है, एम. अभी हमको सिखाया गया है अभी तक क्या, ए आई ओ यू आया उसके आगे एन लगाओ, लेकिन यहाँ पे एन एम एल ए लगाया, क्यों, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन है एम. ओके एन एम एल ए, एन एस पी, एस इस तरीके से लिखेंगे. उसकी शुरुआत देखिए, ए आया है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एन आया है, एन एम एल ए, एम आया फिर से. उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है उसके ऊपर सब डिपेंड है, ये आप देख सकते हो. देन एन चा वापर पहिले नामानंतर आला असेल तर दुसऱ्या वेळेस एन वापरू नये, तर द वापरावा. देखिए आय मेट एन ओल्ड मॅन, यहाँ पे लिखा हमने एन ओल्ड मॅन, लेकिन वही ओल्ड मॅन के बारे में दूसरी बार आया है, द ओल्ड मॅन वॉज वेरी नर्वस. यहाँ पे एन आया और यहाँ पे द, अगर वो सेंटेंस अ के जैसा ही है कि अगर उसको पहली बार वो आया है और उसी के बारे में हमको दूसरी बार बताना है, तो उसके बाद में हमको उसका ए और एन के बजाय द लगाना. नेक्स्ट हमारा है द, आर्टिकल द. देखिए कहाँ पर हमको द यूज करना है, जगातील एकमेव वस्तूंच्या नावापूर्वी द वापरता. एकमेव वस्तु मीन्स क्या, युनिवर्सल थिंग्स. देखो युनिवर्सल थिंग मतलब दुनिया में वो एक ही चीज़ है, उसकी जैसी कोई दूसरी नहीं है. जैसे कि द ताजमहल है, एक ही ताजमहल है. द रायगढ़ फोर्ट है, द गेटवे ऑफ इंडिया है, ये जो है एक ही चीज़ है, तो उसको हम द यूज़ करेंगे. उसके बाद में सूर्यकुलातील ग्रह या सूर्यमाला च्या नावापूर्वी, मीन्स नेम इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में जो भी है प्लैनेट्स है या सोलर सिस्टम के जो भी मेंबर्स है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये. देखिए द सन, द मून, द अर्थ, द मिल्की वे, सोलर के जो भी आएंगे वो. समुद्राचा किंवा महासागराच्या नावापूर्वी, बिफोर द नेम ऑफ द ओशन एंड सी, सी और ओशन के नाम के पहले हमको क्या करना है, द लगाना है. देखिए द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, इस तरीके से. पर्वतांच्या नावापूर्वी मीन्स नेम ऑफ द माउंटेन, बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नाम के पहले पर्वतांच्या नावापूर्वी. हिमालय, द सह्याद्री, द विंध्या, द सातपुडा, इस तरीके. नद्यांच्या नावापूर्वी, बिफोर द नेम ऑफ द रिवर, कोई भी रिवर हो उसके पहले हमको द लगाना है. द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, इस तरीके से.
दिशांश नामा पूर्वी, नेम बिफोर द नेम ऑफ द डिरेक्शन, डिरेक्शन के नाम के पहले, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, इस तरीके से हमको यूज़ करना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथ चनावा पूर्वी मीन्स बिफोर द नेम ऑफ द होली बुक, द रामायणा, द भगवद गीता, द होली बाइबल, इस तरीके से हमको कोई भी बुक से, होली बुक से, पवित्र धर्म ग्रंथ उसके पहले हमको ये लगाना पड़ेगा। आपल्याला धार्मिक नावांच्या पूर्वी द रामायण वगैरह अपन वापरू शकतो। अजून आर्टिकल पुढे कशासाठी वापरता बघा, सुपरलेटिव डिग्रीच्या अगोदर, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर द सुपरलेटिव ऍडजेक्टिव। सुपरलेटिव ऍडजेक्टिव कसे, द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्युटिफुल, ऍडजेक्टिव आहे तर द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट ऍडजेक्टिव आहे त्याच्या अगोदर द आला, द बेस्ट, द मोस्ट ब्युटिफुल। क्रमवाचक शब्दांच्या अगोदर, क्रमवाचक शब्द म्हटलं क्या, जो नंबर बताते, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, जिसको हम फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ये नंबर बताते, इसीलिए द आ गया, क्रमवाचक शब्द है। नेक्स्ट है क्लास रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स। क्लास रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, कि जो कॉमन नाउन है, विशेष वर्ग करता, जैसे द डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग मतलब क्या है, पूरा डॉग की कम्युनिटी आ गई इसमें, क्लास आ गया, पूर्ण क्लास आला, पूर्ण जाती आली त्याच्यामध्ये, डॉग, द व्हाइट, द ब्लैक। सिर्फ मैन और वुमेन के पहले द नहीं लगाना है, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी द लगाना है। डावी बाजू उजवी बाजू असा उल्लेख करताना, फॉर द साइड वी कैन यूज द, द लेफ्ट साइड, द राइट साइड, हियर वी कैन यूज द। एकदा उल्लेख केलेल्या नामाचा पुन्हा उल्लेख करताना, मीन्स रिपीटेड नाउन, दिस इज द बेबी एंड द बेबी इज सो क्यूट, यहाँ पे अ बेबी आया और यहाँ पे हमने द बेबी कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको अ आया है, बार बार वही बेबी के बारे में आ रहा है, इसीलिए उसको द स्पेशल बेबी है, इसीलिए द आ गया। तीन, पूर्ण कुटुंबाचा उल्लेख करताना, फॉर द मेंशन ऑफ द फैमिली, अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली आप मेंशन कर रहे हो, वी एंड द कुलकर्णीज वेंट फॉर पिकनिक, कुलकर्णीज, द कुलकर्णीज आया है, मतलब स्पेशली फैमिली के पहले। देशवासी आणि प्रांतवासी असा उल्लेख करताना, देशवासी मतलब वो पर्टिक्युलर कंट्री का है, जैसे कि द इंडियन है, प्रांतवासी पर्टिक्युलर प्रांतातला आहे, द महाराष्ट्रीयन, याच्यासाठी आपण वापरू शकतो। एक्सेप्शन क्या है, कहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं करना है, आर्टिकल आपल्याला अपवाद है, कुठे वापरायचा नाही हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, कुठे वापरावं हे आपण बघितलं, कुठे वापरू नये हे पण पाहायचं, आर्टिकल कुठे वापरू नये, आर्टिकल्स कहाँ पर यूज नहीं करे ये देखते हम। अ एंड दी कहाँ पर यूज नहीं करना है, भाषा, ज्ञान भाषा, दिवस, महीने, ऋतु यांच्यापूर्वी उपपदे वापरत नाही। डोंट यूज द आर्टिकल बिफोर द लैंग्वेज, डे, मंथ्स एंड सीजन। देखिए मराठी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स ज्ञान शाखा है, मंडे दिवस आला है, मार्च मंथ आला है, समर सीजन आलेला है, याच्या नावाच्या पुढे द वापरायचा नाही, इन नाम के आगे द लगाना नहीं है। कौन से कौन से, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी डे हो, मंथ्स हो, सीजन हो। जेवणाची आणि रोगांची नावापूर्वी उपपदे वापरायचे नाही। डोंट यूज द बिफोर द मिल्स अँड डिसीज, आपको पता है डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इसके पहले द नाही लगाना है, जेवणाच्या नावाच्या अगोदर लावायचे नाही, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। रोगांची नावे, कोई भी बीमारियों के नाम है, फीवर, कोविड 19, प्लेग, इनके पहले द लगाना नहीं है, अ लगाना नहीं है, एन लगाना नहीं है। नेक्स्ट है नावापूर्वी उपपदे वापरत नाही। डोंट यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कोई भी हो, ओम, श्याम, गीता, सीता, जो भी दुनिया में जितने भी बॉयज है, गर्ल्स है, उनके माता पिता है, उनके नाम के पहले द लगाना नहीं है। खेळ आणि रस्त्यांच्या नावापूर्वी उपपदे वापरत नाही। कोई भी, डोंट यूज द बिफोर द स्पोर्ट्स अँड रोड नेम, स्पोर्ट्स नेम कोई भी हो, कोणता पण खेळ असो, कोई भी गेम हो, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, ये गेम्स है, स्पोर्ट्स है, इनके पहले द नहीं लगाना है, याच्या अगोदर द लावायचा नाही है। द MG रोड, SP रोड, रोड के नाम है, महात्मा गांधी रोड, सरदार पटेल रोड, इनके पहले भी द नहीं लगेगा, अ लगेगा नहीं, द लगेगा नहीं, एन लगेगा नहीं।
भाववाचक नामाचा को उपपद वापरत नाही. भाववाचक मीन्स क्या? डोंट यूज बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है पावर्टी, फ्रीडम, ये जो है ब्यूटी, इनके पहले क्या है लगेगा? फियर. इनके पहले द नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, आर्टिकल कोई भी लगेगा नहीं. सनांचा नावापूर्वी उपपद वापरत नहीं. कोई भी नेम ऑफ द फेस्टिवल है, डोंट यूज बिफोर द नेम ऑफ द फेस्टिवल. फेस्टिवल के नाम के पहले नहीं. दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये जो भी है फेस्टिवल के नाम के पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता है, जिसको हम जीरो आर्टिकल कहते हैं. अनकाउंटेबल नाउनच्या पूर्वी उपपद वापरत नहीं. डोंट यूज बिफोर अनकाउंटेबल, मतलब अ वाटर, अ मिल्क, द वाटर, द मिल्क, ऐसा नहीं बोल सकते हम, अनकाउंटेबल है. नाते संबंध पूर्वी उपपद वापरत नहीं. मीन्स रिलेशन अगर अपना बताना है, डोंट यूज बिफोर द रिलेशन. ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, जो भी है उसके पहले द, एन, ए एन दी कुछ भी लगाना नहीं है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और इस बार अगर चैनल पे आप नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड.